हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जो है, हमने जो अपना वीडियो है वो इवनिंग से स्टार्ट किया है। मॉर्निंग से कोई वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ था और कल भी पूरे दिन वीडियो नहीं बना। यही हो रहा है, अभी कहीं पे भी जाना आना हो जा रहा है, कोई आ जा रहा है, तो फिर इसी तरह से मेरे वीडियोज़ रह जा रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं। बट आज तो मैंने वीडियो जो है अपनी अपलोड की है, ठीक है। और बस वीडियो ही अपलोड करके अभी अभी मैंने कहा मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग से कोई भी वीडियो सोच रही थी स्टार्ट करूँगी बट नहीं कर पाई, क्योंकि काम बहुत सारे थे आज इसी वजह से। और जो है, बारिश तो यहाँ रोज़ ही आ रही है, तो मौसम अच्छा है, ठंडा है, मतलब फ़ैन चलाने की भी ज़रूरत नहीं लग रही है। लेकिन थोड़ा मच्छर वगैरह के कारण ना फ़ैन तो चलाना पड़ रहा है, क्योंकि वो तो चलाना ही पड़ेगा ना, फिर नहीं तो मच्छर काटते हैं इस चक्कर में। और जो है जी, अभी टाइम आपको बताऊं तो 8 बज रहे हैं, 8 नहीं 8:30 बजने वाले, देखती हूँ। हाँ जी, 8:30 बजने वाले, देखिए 8:26 हो गए, 8:26 हो रहे हैं इस समय। तो बस अब लगूँगी, अभी किचन में भी नहीं गई हूँ मैं, 1.5 घंटा लग गया वीडियो एडिट की, अपलोड की, तो इतना टाइम तो लगता ही है। 7:15 बजे मैं लगी थी वीडियो एडिट करने, तो तब से लेके अभी तक मेरा जो है वीडियो अपलोड और एडिटिंग यही में टाइम लग रहा है। अभी वीडियो अपलोड हुआ नहीं है पूरी तरह से, थोड़ा सा बाकी चल रहा है। तो अभी मैंने कहा कि क्यों ना हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद अब किचन में जाऊँगी। बर्तन पड़े हैं अभी तो दिन के, क्योंकि नहीं क्लीन कर पाई थी, है ना, तो अभी बर्तन क्लीन करूँगी। खाना बनाने कोई जल्दी नहीं है, खाने में सिंपल दलिया बनाऊंगी, इसलिए कुछ वैसे तामझाम वाला काम नहीं है। इसलिए मैंने कहा पहले वीडियो बैठ के आराम से एडिट करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि 2 दिन से कोई वीडियो नहीं गई है मेरी, है ना। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, पहले से मैं प्रिपेयर नहीं होती हूँ। अब मैं देखती हूँ, शायद मगर सुबह भी टाइम नहीं मिलता ना, मैं करूँ तो करूँ कब वीडियो एडिट। वीडियो एडिट करके अगर अपलोड कर दूँ मैं मॉर्निंग में ना, तो मेरी वीडियो डेली जाएगी, है ना। चलिए देखते हैं, फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ किचन में जाके। किचन में आई हूँ अभी अभी, और बर्तन दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बर्तन पड़े हुए हैं दिन के खाने के, ज़्यादा तो नहीं है, हाल हो जाएंगे, 10 मिनट का काम है ज़्यादा ज़्यादा, है ना। बस बर्तन क्लीन करूँगी और बाकी ऐसा कुछ काम नहीं है, बस अभी मेन बर्तन क्लीन करने हैं। और जो है ये बर्तन रखे हुए हैं ना, ये वाले जो बर्तन रखे हुए हैं इनको बस लगाना है, तो ये काम मैं पहले लगाऊंगी फिर क्लीन करके, क्योंकि उसी में रखना होगा ना इस वजह से। और मैं सोच रही हूँ कि आने वाली वीडियोस में ना मैं आप लोगों के साथ अपना किचन का टूर शेयर करूँगी, है ना। किचन टूर मैं देने की सोच रही हूँ, तो उसके लिए देखिए अभी कुछ फर्नीचर वगैरह नहीं बना हुआ है, तो जैसा भी मैं कर पाऊँगी वैसा मैं शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी टूर वीडियो, होम टूर और किचन टूर कुछ भी नहीं दिया है, क्योंकि टाइम की वजह से सब कुछ टाइम, लेकिन मैनेज करना होगा तो वो मैं दूंगी, ठीक है। बहुत सारे काम हो जाते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना वैसे इतना कुछ वो नहीं है, लेकिन ना मुझे शौक है इसलिए बना रही हूँ। और देखिए आजकल जितना भी आप कर लो उतना कम है, क्योंकि बस आप समझ जाइए जितना भी कर लो उतना कम है, कितने भी काम कर लो कमी लगने लगते हैं, और काम तो ज़्यादा होते हैं, काम तो ज़्यादा ही लगते हैं, लेकिन उनसे होती हुई अर्निंग जो है वो कम लगती है आजकल के टाइम में, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है इस वजह से। और हर कोई चाहता है कि एक्स्ट्रा इनकम हो, हर कोई चाहता है, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो ऐसा नहीं चाहेगा कि उसकी एक्स्ट्रा इनकम हो, ठीक है। इसलिए मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ भी बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ बनाने की, अब सक्सेस मिले ना मिले वो बात की बात है, बट अपने अपना कर्म करते रहो, है ना। चलिए फिर मैं ये काम करती हूँ और उसके बाद आप लोगों से देखती हूँ, मिलती हूँ तो, ठीक है।
हेलो जी, कल का अपना वीडियो जो है वो मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि ना कल इवनिंग में स्टार्ट किया था तो डेफिनेटली वो इवनिंग में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसी वजह से तो मैंने कहा इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जस्ट अभी नहा के आई हूँ, सारे काम हो चुके हैं, वही डेली का रूटीन देखिए, मॉर्निंग का सेम ही रहता है ना सभी जगह, मुझे लगता है कि सेम ही रहता होगा, कहीं कहीं की बात अलग है, बाकी मोस्टली जगह मतलब 80% तो सेम ही रहता होगा सभी का, तो इसलिए मैं उस रूटीन को कभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती। आप लोग बोलेंगे ना तो पूरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, या फिर खाली मॉर्निंग रूटीन भी शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि पूरा दिन का अगर कवर करूँगी तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। और जो है साड़ी धो वॉश की है तो बाहर सुखाए हैं मैंने कपड़े अभी, क्योंकि बारिश आई और धूप निकल आई, तो मैंने कहा बाहर सुखा दो तो सूख जाएंगे, वरना ना बारिश के मौसम में कपड़े सुखाना ना बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है, बहुत ही ज़्यादा। और जो है अभी अभी आलू बॉईल करके किचन में आई हूँ मैं, मतलब नहाने से पहले ही बॉईल करने रख दिए थे, तो आलू जो है बॉईल हो चुके हैं, तो लंच में समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि मैं सूखे आलू बना लेती हूँ और दाल देखती हूँ, दाल का मेरा मन नहीं है, चावल बनाऊँगी साथ में, चावल मतलब बॉईल करके बना लूँगी और फिर फ्राई कर लूँगी, ठीक है, क्योंकि दाल बनाने का मन नहीं तो फिर चावल खाए कैसे जाएंगे, आटा लगाना बाकी है, आलू बॉयल हो चुके हैं अब खाना बन जाएगा, तो अभी किचन में तो कोई काम नहीं है फिलहाल, थोड़ा सा रुक के बनाऊँगी, एक मिनट लगा रहा है डेढ़ मिनट बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा जल्दी भी बना दो ना तो फिर वो टेस्ट नहीं रह जाता है ना। और जो है पानी पी लेती हूँ, मुझे नहा के ना प्यास लगती है, पानी की बहुत ज़्यादा प्यास लगती है नहा करके, पानी ना हमेशा बैठ के ही पीना चाहिए, अब मैं यही करती हूँ। मैं पहले क्या करती थी, किचन में मैं बॉटल बाहर भर के नहीं रखती थी, अब मैं बाहर भर के रखती थी टेबल पे, क्योंकि बाहर होती ना तो फटाफट ली और यहाँ बैठ गए और पी लिया, और अगर किचन में पीने जा रहे हो ना तो वहाँ तो बॉटल ली और बस गट गट करके खड़े खड़े पी जाते, खड़े खड़े पीने से ना घुटने बहुत दर्द करने लगते हैं, और अभी कोई एज नहीं घुटने दर्द करने की, लेकिन आजकल ना बीमारी का एज से कोई मतलब कनेक्शन है ही नहीं, आजकल बीमारी मतलब कुछ एज देखकर नहीं होती है, बस हो जाती है, ऐसा वाला है, क्योंकि मेरे यहाँ आने के बाद आगरा से जब मैं रांची आई तो देखती हूँ डेढ़ महीने में ना मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया है, घुटने में स्पेशली ना घुटनों में बहुत दर्द रहने लगा है, पता नहीं क्यों, मैं नहीं जानती, तो मैंने इसलिए तब से ना पानी तो मैं खड़े होके ही पीती थी, क्यों झूठ बोलूँ, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन मैं खुद भी खड़े होके ही पीती थी, लेकिन जो मैंने फील किया, बट अभी ना जैसे मैं बैठ के पीती हूँ ना तो कुछ दिन से मुझे रिलैक्स है, जितने दिन से मतलब मैंने बैठ के पीना शुरू कराया उसके कुछ दिन बाद से मुझे रिलैक्स होने लगा है, अभी उतना नहीं मतलब हो रहा है, टच वुड है कि अभी नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोग भी खड़े होकर पानी पीते हैं ना तो प्लीज़ मत पीजिएगा, बैठ करके पीजिएगा, कोई बात नहीं, दो मिनट ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी से हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है ना। और चलिए फिर थोड़ी देर में आप लोगों से बात करते हैं, नहीं तो वीडियो पूरा बातों में कम्प्लीट हो जाएगा। ये देखिए जी, जो हमारा खाना है वो ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुका है, दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये हमारे है सूखी आलू की सब्जी, देख सकते हैं आप लोग किस तरह की बनाई है हमने, ये कुछ इस तरह की बनाई है, तो इसको हम ऐसे ही ढक के रख देंगे, खाएंगे ना जब गर्म कर लेंगे, तो इसमें हमारा है राइस और इसमें हमने लगा दिया है आटा, तो ये ऑलमोस्ट हमारा जो खाना है वो प्रिपेयर हो चुका है, राइस इसमें बना दिया है, और यही बस कुछ काम है अभी, थोड़े से सुबह नाश्ते के बर्तन पड़े हैं चाय वगैरह के, तो वो जो है बाद में देखेंगे, और बस यही कुछ है अभी तक का हमारा, ठीक है चलिए फिर। तो बस अभी अभी खाना बना के आ रही हूँ, और जो है अब बैठूँगी फुर्सत से, क्योंकि खाना जो है वो बन चुका है और अभी खाने वाला कोई भी नहीं है, ये है कुछ, और यही होता है मेरे साथ, और आज तो मैंने पता है 1:30 बजे मैं बनाने गई हूँ खाना, और 15 मिनट में बन गया, क्योंकि ना ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, चावल एक तरफ कुकर में सीटी लगा दी और एक तरफ आलू जो थे बॉईल कर चुकी थी नहाने से पहले ही, तो बहुत फटाफट हो गया, कभी कभी यही होता है, कभी कभी और ऐसा होना भी चाहिए है ना। और आज मैंने आँखों में काजल नहीं लगाया, तो मेरी आँखें ऐसे लग रही हैं जैसे कि तबीयत ठीक नहीं हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने चला के नहीं लगाया है, क्योंकि डेली लगा रही थी ना तो ये चीज़ मेरे एकदम काला काला सा हो जा रहा था काजल की वजह से,
कितना भी अच्छा काजल ले लो वो नीचे आ ही जाता है कुछ देर में ना, ये होता है। अगर आप लोगों को कोई ऐसा काजल पता हो जो नहीं फैलता हो, अच्छा बहुत सौ की आँखों में नहीं फैलता, लेकिन मेरी आँख में काजल फैलता है, मतलब कोई भी ब्रांड का लगा लो आँखों में काजल मतलब रहता है कुछ देर तक, बट वो कुछ टाइम बाद जैसे कि 4-5 घंटे बाद वो आँख के नीचे ही होता है काजल, ऐसा मेरे साथ तो होता है। और मौसम बहुत बहुत अच्छा हो रहा है, मौसम का आपको मैं क्या बताऊँ, बहुत रोज़ मौसम के लिए नहीं बता सकती, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है। अभी धूप थी और अभी एकदम ठंडा मौसम हो रहा है, और ये मौसम हो रहा है एकदम घूमने का। रोज़ मन करता है कि या तो छत पर जाके बैठ जाओ और या फिर घूमने निकल जाओ, बट रोज़ रोज़ पॉसिबल नहीं है, दोनों ही चीज़ पॉसिबल नहीं है। ना तो रोज़ छत पर जाके बैठ सकते हैं क्योंकि छत पर चढ़ के जाऊँगी 4 मंजिल, और यदि बारिश आ गई तो मुझे तुरंत नीचे आना पड़ता है, इसलिए मैं छत पर भी नहीं जा पाती। लेकिन आज अगर ऐसे ही मौसम रहा ना तो मैं शाम को ज़रूर जाऊँगी छत पर, और आप लोगों को भी लेके चलेंगे, ठीक है, दिखाएँगे अपनी टेरिस। वैसे तो शायद मैंने एक दो वीडियो में दिखाया है, एक वीडियो में तो दिखाया ही है, धोखा तो नहीं पड़ता, लेकिन एक वीडियो में मैंने दिखाया है। अच्छा बारिश में ना मेरे बाल बहुत बेकार से लगते हैं, क्या पता, सभी के बाल बेकार हो जाते हैं बारिश में ना, थोड़े अजीब से हो जाते हैं। और थ्रेडिंग भी बनवानी है, देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जाऊँगी अभी, मैं चला के नहीं जा रही, मैं सोच रही हूँ रक्षाबंधन के आसपास ही बनवाऊँ, हालाँकि ऐसा कुछ नहीं है मैं पहले ही बनवा सकती हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना आना तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ फेस्टिवल आता है तो लगता है कि हाँ मतलब कि आराम से तभी बनवाएंगे। तो चलिए फिर थोड़ी देर में आप लोगों से मिलते हैं लंच करने के बाद। लंच आपको मैंने दिखा दिया है जो हमने बनाया है ना, और बस अब रोटी जो है वो गर्म गर्म ही बनेगी, इसलिए रोटी की टेंशन नहीं रहती, वो तुरंत ही बनती है। तो बस आटा लगा के रख दो, आटा फूल जाता है, तुरंत लगाओ तो फिर रोटी उतनी अच्छी नहीं बनती, उतनी अच्छी क्या, अच्छी ही नहीं बनती, मुझे नहीं अच्छी लगती तुरंत लगी हुई आटे की। कभी कोई परेशानी हो, अर्जेंट में ही मतलब खाना बना रहे हो तो बात लगे, अदरवाइज़ मैं ना मतलब जो है आटा पहले से ही हमेशा लगा के रखती हूँ, चाहे 10 मिनट ही पहले लगाओ लेकिन आटा पहले से लगा के रखती हूँ, तो उसकी रोटी बहुत अच्छी बनती है, फूली फूली रोटी बनती है, और तुरंत वाले की फूल जाती है, बट एक उसमें ना कड़कनेस रहती है रोटी में, इतनी सॉफ्ट नहीं होती, इसलिए आटा हमेशा 10 मिनट पहले लगा के ही मैं बनाती हूँ। और अभी तो जैसे कि काफ़ी देर तक लगा रहेगा तो लगा देती हूँ, खाना बना सब्जी जैसे तैयारी करती हूँ ना उसी समय मैं आटा भी लगा के रख देती हूँ। चलिए बातें ज़्यादा ना करते हुए यहीं अपनी बाड़ी को जो है विराम देंगे, और आप लोगों से थोड़ी देर में मिलेंगे।